हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने ये मिल्क पाउडर ले लिया है और मैं इसमें वन स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा और वन स्पून मैं डाल रही हूँ सूजी। मेरा एक कप मिल्क पाउडर है, ये हाफ स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और इससे सारे ड्राई को मैं इसे मिक्स कर दूँगी और दूध थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसका गाढ़ा बैटर बनाऊंगी, बिल्कुल आटे की तरह। ये देखिए, मैंने एक बर्तन ले लिया है, पानी मैंने एक कप डाल लिया है, मुझे शुगर सिरप बनाना है। अब मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ जब तक ये मेरा बन जाएगा शुगर सिरप। ये देखिए, मेरा डो बिल्कुल रेडी हो गया है, आटे की तरह बन गया है। अब मैं इसका गुलाब जामुन का शेप दे देती हूँ, आप चाहें तो कि जैसे भी दे दीजिए, गोल चाहिए तो गोल। मैं इस तरह का बना रही हूँ, ये देखिए मैंने इस तरह का बना लिया है। अब मैं इस तरह से और बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं, अब मैं इसे फ्राई करती हूँ। ये देखिए, अब मैं फ्राई इसे करती हूँ, ये मेरा ऑयल गर्म है, अब मैं इसे डालती हूँ। मेरे सारे गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए रेडी है, तेल गर्म है, मैं इसे फ्राई करती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे गुलाब जामुन डाल दिया है, अब ये मेरा हल्का हल्का फ्राई हो रहा है, हल्की आँच में। ये देखिए, मेरे सारे गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं, अब मैं इसे निकाल देती हूँ और चाशनी में से शुगर सिरप मैं इसमें डाल देती हूँ। कितना अच्छा मेरा गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट और कितना हल्का। ये देखिए, मेरा शुगर सिरप भी रेडी है, मैं इसमें चाशनी में सारे गुलाब जामुन मैं इसमें डालूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए, गुलाब जामुन को मैंने इस तरह से शुगर सिरप में 5 मिनट के लिए पका रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और शुगर सिरप इसके अंदर चला जाए। ये देखिए, मैंने एक पैन ले लिया है और एक चम्मच मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ और इसमें दूध डाल रही हूँ, इसे मैं मिक्स करूँगी और इसका एक घोल रेडी करूँगी। ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। ये देखिए, मैंने गैस में इसमें थोड़ा पका दिया, ये हमारा क्रीम बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए, मैंने सारे गुलाब जामुन को मैंने इसलिए बाहर निकाल दिया है, अब एक गुलाब जामुन को मैंने इस तरह से ऐसे बीच से कट करना है। ये देखिए इस तरह से, और ये जो मैंने बनाया था मिल्क पाउडर का, ये मैंने एक पैकिंग बैग में मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए, मैंने जो पैकिंग बैग में बनाया था मिल्क पाउडर, ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, ये इस तरह से मैं इसे डाल दूंगी। ये देखिए, मैं इस तरह से बीच में ऐसे कट कर इस तरह से मैं इस तरह से लगा दे रही हूँ, इस तरह से। इस तरह से मैं सारे क्रीम मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, मैंने सारे में क्रीम मैंने डाल दिया है, मेरा गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं ऊपर से इस तरह से
बादाम और कुछ लगा दूंगी गार्निश के लिए। इस तरह से मैं दे दूंगी ताकि गार्निश में थोड़ा अच्छा लगे, डेकोरेट हो जाए। ये देखिए मेरा गुलाब जामुन रेडी हो गया है मिल्क पाउडर से। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। ओके, बाय बाय।